हेलो अच्छो रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन सो द इज ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर फॉर्मड इन अ बैंडॉर्म देखो तो so, यहां पर हमें बताना है हमारा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं सो लेट्स राइट आवर की कांसेप्ट हियर ठीक है तो जो हमारा की कांसेप्ट है वो है बैंड थ्योरी वो है बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स इन सॉलिड्स तो बेसिकली देखिए क्या होता है हमारे सॉलिड्स में Uh, हमारे दो लेवल्स होते हैं एनर्जी लेवल्स होते हैं ठीक है तो हमारे दो लेवल्स होते हैं तो उसमें हमारा उसको हम लोग ड्रॉ कर लें अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक ही हमारा होता है एक ही हमारा होता है बैलेंस बैंड ठीक है एक ही हमारा होता है बैलेंस बैंड डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं ठीक है तो एनर्जी बैंड जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बैलेंस बैंड कहते हैं ठीक है इसके हमारे इसके ऊपर एक रहता है कंडक्शन बैंड ठीक है इसके ऊपर एक बैंड रहता है कंडक्शन बैंड ठीक है इस बैंड में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है अब क्या होता है हमारे वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कंडक्शन बैंड में इनके बीच का एक जो गैप होता है दैट गैप इज रिफर्ड एज दी फॉरबिडन एनर्जी गैप दैट गैप इज रिफर्ड एज उसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप दैट इज रिफर्ड एज दी फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप ठीक है तो हमारे बैलेंस बैंड में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे बैलेंस बैंड में होते हैं और बैलेंस बैंड से इनको जाना होता है कंडक्शन बैंड में तो बैलेंस बैंड से जब इनको कंडक्शन बैंड में हमें इसको भेजना होता है तो हमें उस पर कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होती है ठीक है इसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ठीक है तो इसको हम लोग कुछ ना कुछ एनर्जी देते हैं ठीक है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एनर्जी सप्लाई करते हैं और जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इस तरह से हमारा बैलेंस बैंड और कंडक्शन जो है क्रिस्टल्स में फॉर्म होते हैं बाय दी गिविंग दी एनर्जी